हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इग्नू स्टूडेंट जोन। आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रोसेस बताने वाली हूँ ऑफ अ रेगुलर लेटर ऑफ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, मींस बेसिक। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं कि एक बायर है, सपोज कीजिए फ्रांस का, जो कि गुड्स खरीदना चाहता है, मीन्स डिसाइड कर लिया है कि उसको गुड्स खरीदना है एक यूएस डॉलर में जिसका प्राइस 5000 है, एक सेलर से जो कि मलेशिया का है, और वो परचेज करना चाहता है डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट द्वारा। तो बैंक क्या करता है, बायर क्या करता है, वो सबसे पहले अपने बैंक से इसके बारे में पूछता है। क्या मतलब कि इशूइंग बैंक से परमिशन लेता है कि वो इशू करना चाहता है लेटर ऑफ क्रेडिट सेलर के नाम पे, ठीक है। तो उसके लिए वो क्या क्या करना चाहिए उसको। तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है इसमें कि जो इशूइंग बैंक होता है वो एक लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करता है एक सेलर के नाम पे जो सामान बेच रहा है, और सेलर का जो बैंक है उसको एक एडवाइजिंग बैंक के तौर पे अपने पास रख लेता है ताकि सेलर के बारे में उसको इंफॉर्मेशन मिल सके कि वो कहीं बैंकरप्ट तो नहीं है, उसका प्रोडक्ट के बारे में उसका मीन्स पता चल सके सब चीज़ के बारे में। नेक्स्ट होगा कि जो सेलर है यानी कि जो मैन्युफैक्चरर है, जो मैन्युफैक्चर करता है, वो क्या करता है, पहले मैन्युफैक्चर करता है, उसके बाद वो उसको लोड करा देता, शिप कर देता है गुड्स को बायर के पास ले जाने के लिए, और फिर वो डॉक्यूमेंट्स तैयार करता है। उसके बाद सेलर जो है वो सारा डॉक्यूमेंट्स अपने एडवाइजिंग बैंक को सबमिट कर देता है जो कि चेक करता है डॉक्यूमेंट्स को, मतलब डिस्पेंसरीज से रिलेटेड कि या तो डिस्पेंसरीज है कि नहीं है, और अगर डिस्पेंसरीज नहीं पाया गया उसमें तो वो डॉक्यूमेंट्स इशूइंग बैंक को भेज देता है। फिर क्या होता है कि इशूइंग बैंक जो है वो डॉक्यूमेंट्स को चेक करता है, अगर उसको वो सेटिस्फैक्ट्री लगे, अगर वो संतुष्ट हो जाए उस डॉक्यूमेंट से, तो फिर उसको इमिडिएटली क्या करता है, वो बायर के पास उसको बता देता है, इंफॉर्मेशन बायर को दे देता है। फिर होता है कि बायर जो है वो पूरा पेमेंट करता है US$5000, ठीक है। उसके अलावा उसको बैंक का चार्जेस भी पे करना पड़ता है, इशूइंग बैंक का जो भी चार्जेस होता है वो उसको पे करना पड़ता है, और पेमेंट रिसीव करने के बाद जो इशूइंग बैंक है वो सारा डॉक्यूमेंट्स बायर को दे देता है। फिर बायर जो है वो सारा गुड्स को शिपिंग लाइन जो होता है वहाँ से सारा गुड्स को क्लियर कर देता है उस डॉक्यूमेंट्स के द्वारा। फिर इशूइंग बैंक जो है वो ट्रांसफ़र करता है जो भी, मतलब पूरा जो पेमेंट है जो बायर उसको दिया है US$5000, वो एडवाइजिंग बैंक को ट्रांसफ़र कर देता है। फिर जो एडवाइजिंग बैंक है वो उसमें से अपना जो चार्ज है, सर्विस चार्ज उसका जो होता है वो काट करके बाकी का जो पेमेंट बचता है वो सेलर को दे देता है। इस तरह से ट्रांजैक्शंस कंप्लीट होता है। तो मतलब ये समझिए कि बायर अगर कोई सामान, फ्रांस का बायर है अगर मान लीजिए, अगर वो कोई भी सामान मलेशिया से US$5000 में लेता है डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट के थ्रू, तो उसको ये सारे प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा। अगर इसमें से कोई भी प्रोसेस में कुछ भी प्रॉब्लम हुआ या कोई भी प्रोसेस अच्छी तरह से नहीं फॉलो किया गया, तो फिर उसका आगे नहीं बढ़ पाएगा, ना वो गुड्स परचेज कर पाएगा बायर, ना ही सेलर वो गुड्स सेल कर पाएगा। तो ये सारे प्रोसेस को ध्यान से किया जाता है। इसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स के रिक्वायरमेंट्स होते हैं उसको पूरी तरह से दो बार देखा जाता है, एक एडवाइजिंग बैंक अपने तरफ से देख करके उसको सेटिस्फाई करता है, और फिर बाद में वो इशूइंग बैंक को देता है, और इशूइंग बैंक खुद उस डॉक्यूमेंट्स को अच्छी तरह से चेक करके अगर वो खुद संतुष्ट होता है तब वो फिर बायर को देता है, और फिर बायर उसका पेमेंट करता है। यहाँ पे एडवाइजिंग बैंक और इशूइंग बैंक दोनों का सर्विस चार्ज दिया जाता है बायर के द्वारा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी इस टॉपिक से बारे में सब कुछ